जय श्रीमन्नारायण दोस्तों, मैं मंजू सती अपने व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ सब कुशल होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो करते हैं दोस्तों व्लॉग की शुरुआत, और व्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने रूम से, अपने ड्राइंग रूम से। तो देखिए मेरे व्लॉग को और बने रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, प्लीज। करते हैं दिन की दिनचर्या को शुरू। दोस्तों सब लोग अपने अपने काम पर चले गए हैं, बच्चे स्कूल चले गए, पतिदेव भी अपने ऑफिस चले गए, तब व्लॉग शुरू कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं उनके लिए, नाश्ता पानी, तो टाइम मिल नहीं पाया। तो अब व्लॉग शुरू कर रही हूँ। बस यही अपनी दिनचर्या है, काम धंधा, साफ सफाई, और थोड़ा सा आज बस दोस्तों 2-3 दिन से बारिश भी नहीं आ रही। मौसम भी इतना खतरनाक हो रहा है, इतनी तेज़ धूप है जिस ज़बरदस्त। अभी देखते हैं एक बार बाहर का मौसम। देखिए वैसे हैं बादल हल्के हल्के, धूप है, हल्की हल्की छाँव है, हल्के हल्के बादल है। सुबह मैंने उठ के देखा दोस्तों ना, ये फूल मेरा पूरा सूख चुका था, और मुझे इतनी टेंशन हुई। फिर मैंने सुबह इसमें पानी डाला तो अभी ठीक हो गया है। यह है फूल नज़ारे, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, करती हूँ अपनी दिनचर्या को शुरू, फटाफट काम वाम निपटाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे जल्दी ही। आप भी तब तक अपने अपने काम कीजिए और आइए मेरे साथ बने रहिए। कार्य फिर से प्रगति पे है, सुबह काम से निपटे तो वही दिन का खाना बनाओ, क्या बनेगा क्या बनेगा। लेकिन कल शाम मेरी दोनों बेटे ने फरमाइश करी, मम्मा भट डाल दो, कल ना भटके डुबके बनाएंगे। दोस्तों एक दिन मैंने आपको भटके चुरकानी बना के दिखाई थी, वही भटके ना उनको पीस के तो फाड़ बोलते हैं, कोई अपनी लैंग्वेज में कोई डुबके बोलते हैं, और कोई लोग जानते नहीं है, वही उत्तराखंड की डिश है तो उत्तराखंड वाले ज़्यादा जानते हैं। तो जो भटकी चुरकानी मैंने बनाई थी वही मैंने रात में भिगोए थे, और भिगोने के बाद मैंने वो पीस दिए। तो मैं बना रही हूँ भटका फाड़ू डुबके, यानी कि तो मैंने चढ़ा दिए हैं, और सिंपल तरीके से बनते हैं। इनमें कोई भी मतलब कोई भी इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, ना इसमें कुछ ज़्यादा मसाले चाहिए। सिंपल तरीके से अगर इनको बनाओगे ना, इतने ही स्वादिष्ट और मीठे होते हैं। और सबसे बढ़िया बात इनकी खूबी है कि इनको लोहे की कढ़ाई में बनाओ तो तब टेस्टी होते हैं। मैं तो अक्सर ज़्यादा खाना लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ, जो आपके साथ में शेयर करती हूँ, हमेशा ही दिखाती हूँ आपको। तो मैंने भटके डुबके भी लोहे की कढ़ाई में बना दिए, मैंने मिक्सी में पीसे। बस दुख इतना है कि सिलपट्टा नहीं है तो मुझे मिक्सी में पीसने। तो दोस्तों मैंने ना सिलपट्टे मैंने पीसे, मिक्सी में पीसे, लहसुन वसन बढ़िया करके पीसे, हींग का तड़का लगा के मैंने भटके डुबके चढ़ा दिए हैं लोहे की कढ़ाई में। आज कढ़ाई दूसरी है, और तो दिखाऊँ एक बार आपको, उबाल आ रहे हैं ये तो, ये है। और कढ़ाई देखो आज मेरी कौन सी वाली है, थोड़ा सा चौड़ी है ये ना, मैं स्पेशल पूरी बनाने के लिए आई, क्योंकि अलमुनियम की कढ़ाई पूरी में जल जाती हैं, और इनमें जलते तो ये ना दोनों काम आ जाती हैं, और मुझे इनका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने चढ़ा दिए हैं डुबके, और बच्चों के आने तक ये हल्के हल्के आँच में अपने आप पकते हैं। पका रही हूँ पीस पास के लिए, और इसमें बनाऊंगी मैं अपने तीनों के लिए चावल छोटे से कुकर में। ये करती हूँ फटाफट, चावल भी चढ़ाती हूँ, 2 बजने वाले हैं, बच्चों का आने का टाइम है, 2:30-3 तक आ ही जाते हैं वो लोग। करते हैं फटाफट, और फिर अभी मैं आपसे मिलती हूँ बनने के बाद, दिखाती हूँ आपको। फिलहाल मैं फटाफट और इस चावल धो के चढ़ा लेती हूँ। मेरे स्कूल से आ गए फाइनली, खाना बिल्कुल रेडी है, भटके डुबके मैंने तो थोड़ा खा भी लिया, उनको दे दिया मैंने, उनकी थाली दिखाती हूँ एक बार आपको, डुबकों का कलर दिखाती हूँ। ये होते हैं देखो भटके डुबके बनने के बाद ऐसे बनते हैं, मैंने दिखाया था आपको बनते हुए, और अब बिल्कुल रेडी हैं, खाने थाली में लग चुके हैं। तो बच्चे मेरे खा रहे हैं, आप के थोड़ी देर रेस्ट किया, और आप चलते हैं थोड़ी देखा देखिए घर जाते हैं, उनके घर थोड़ा काम है, हम सबका ही काम है, तो वहाँ जाते हैं, वहाँ से थोड़ा साग सब्जी लेके आते हैं। तो चलो चलते हैं, थोड़ा मौज मस्ती का टाइम, सुबह से काम काम और आप कर रहे हैं मौज मस्ती, थोड़ा चलते हैं रेखा जी के पास, हल्ला गुल्ला करने, हंसने बोलने। अगर कुछ ऐसा पॉइंट मिलता है तो आपके साथ भी ज़रूर शेयर किया जाएगा। फिलहाल हम जा रहे हैं घूमने, चलो आपका ट्यूशन का टाइम भी होगा, मेरे साथ चलो, मैं भी जा रही हूँ। तो टिम्मू जाएगी ट्यूशन, और मैं, मेरी बेटी बिल्कुल टीवी का आनंद लेते हुए, ये और वो सो गई अंदर, और ये आराम से अपना टीवी के लिए बैठी हुई है, और उसको कुछ आज इंतजार भी हो रहा है। जो भी न्यूज आएगी, समाचार आएगी, हम तुम्हें बता देंगे, चाहे कैसे भी बताएं। ठीक है, आप ट्यूशन जाओ, ट्यूशन पढ़ो, ओके। तो दोस्तों प्रणव से मिलने के लिए फिर आ गई, एक बार बोल दो जय, बोलो जय श्रीमन्नारायण। हाँ आज सही बोला दोस्तों, इन्हें जय श्रीमन्नारायण अच्छा बोला, और ये बड़ी मुश्किल से मैंने जगाया कि उठो उठो, दादी मिलने आई है, लेकिन ये सोए हैं और अभी उठे। इनका कल क्या है? एग्जाम। किस चीज का? मैथ का। मैथ का एग्जाम है ना, तैयारी हो गई फुल? अभी तो बुक्स निकाल रहे, सो के जगे हो तो चलो अच्छा जाएगा पेपर। ठीक है, पढ़ाई करना बढ़िया करके, और एग्जाम दे के आना। ठीक है चलो, फिर हम लोग हम तुमसे मिलने आए थे, आप पढ़ाई करो, चलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, फिर मिलने आएंगे, बाय करो, बाय बाय। से घर आ गई हूँ, और थोड़ा सा मौज मस्ती भी करी, थोड़ा काम भी निपटाए कुछ, और आप पीते हैं गर्मा गर्म चाय, ठंड गर्मी के मौसम में गर्मा गर्म चाय। पति देवी ऑफिस से आ गए, उन्हें मैंने चाय बना के दे दी, और ये देखो मंगाया गुन्नू था कि मम्मा चौकोच लेके आना करके। दोस्तों मुझे इसका फादर चाहिए जो इसके पीछे है। क्या करेगी बेटा इसका तुम? मतलब करेगी क्या फिर भी? सॉल्व करूंगी फादर,
अच्छा ये तो उसका डब्बा लाई मैंने, कह रहे स्कूल में चाहिए कुछ ना कुछ खाने के लिए, तो ये इसको संभाल दे बेटा उसमें। मैं ऐसे रख दिया, अभी तो बाद में जब कम हो जाएगा रख दूंगी। रख दिया टिम्मू ने, इसका डब्बा ले लिया निकाल के, देखो ऐसे काम करती है लड़की। चाय चढ़ा रखी मैंने, पीते हैं चाय दोस्तों, फिर करते हैं खाने पीने की कार्रवाई। ना कुछ खाने को मन करा ना कुछ गर्माई, मैंने बनाने को मन करा ना खाने को मन करा, लेकिन बना तो पड़ेगा ही, देखते हैं फिर भी क्या बनता है। दोस्तों गर्मी से है बुरा हाल, क्या बनाया क्या खाया, इतनी गर्मी हो रही है। और मैंने अपने पति से पूछा कि आपके लिए क्या बनाऊं, रोज ओट्स खा के भी परेशान हो गए थे, कभी बोल किया, उन्होंने बोला पोहा बता दे, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें पोहा भी बता रखा, तो नॉर्मली पोहा बनाया है मैंने और इतना सुंदर हो रहा है, दिखाते हैं एक बार आपको बीन्स सब्जी वगैरह डाल के, कलर देखो क्या सुंदर है। ये तो लेके जाती हूँ अपने पतिदेव के लिए पोहा, बालकनी में बैठे हैं लोग, नज़ारा ले रहे हैं बालकनी में बैठे हुए, ठंडी ठंडी हवा, तीनों वहाँ बेटी वहीं बैठे हैं, दिखाते हैं एक बार। और इतनी गर्मी हो रही, लाइट भी चली गई, लाइट भी नहीं है। दोस्तों देखो बालकनी में आ गई हूँ मैं इनका पोहा लेके ना देने के लिए, और ये ठंडी ठंडी हवा खा रहे हैं पंखे की और बैठे हैं बालकनी में तीनों जने। पतिदेव शुरू हो गए भाई, मैंने मिर्च कुछ भी नहीं डाली, ना हरी ना लाल कुछ भी नहीं हो रही मिर्च, हो सकता है मैंने थोड़ा सा पोहा मसाला डाला, लेकिन मिर्च मैंने कुछ भी, मिर्च है ही नहीं लाल वाली, अभी मैं पैकेट लाई हूँ, मैंने खोला भी भाई, गुन्नू भी खा ली, देखो मेरे पापा के इसमें से। हल्की हल्की बारिश हुई थी, देखो रात का मौसम और हल्की हल्की बारिश हुई थी, वो देखिए एरोप्लेन उड़ते हुए दिखा रही आपको रात का नज़ारा। और मौसम थोड़ा बारिश हुई देखिए, और हमारे फूलों में पानी हो आ गया थोड़ा बहुत, कल ये सारे फूल खिलेंगे देखो। तो मैं भी अपने लेके आती हूँ थोड़ा बहुत पोहा ही खाती हूँ मैं भी, और खा पी के देखते हैं लाइट आती तो कुछ बिग बॉस वगैरह देखते, नहीं आती तो फिर इंतजार करते हैं। दोस्तों लाइट भी आ गई है, खाना वाना खा पी के रेडी, और बिग बॉस देख रहे हैं लोग, थोड़ा आज लेट भी हो गया, और कल है मेरे बच्चों की छुट्टी, तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से थोड़ा सा आधा घंटा लेट उठूँगी, लेकिन फिर भी सोने की तैयारी करते हैं, क्योंकि सोना तो बनता है, तो करते हैं विश्राम और सोते हैं। कल मैं आपको मिलती हूँ एक नई उमंग नई तरंग और नई ताजी के साथ। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को खूब लाइक करें शेयर करें, जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें। ब्लॉग को करते हैं पर एंड, जय श्रीमन्नारायण।